आवत यही सर अति कठिनाई। भगवान की कथा में आना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा समझना, ये सरल नहीं है, अति कठिन है। इसलिए अगम है। ये अगम सुगम कैसे होगा? तीन कारण से, इसको समझिए। ये अगम कथा सुगम कैसी हो जाएगी? यदि ये तीन व्यवहार हमारे आपके जीवन में हो गया तो जो अगम कथा देवताओं के लिए हमारे आपके लिए सुगम हो जाएगी। पहली बात, श्रद्धा हो जाए। जे श्रद्धा संबल रहित। संबल कहते हैं राह में खर्च करने वाले उपादान को। जैसे रुपया है, रुपया है, इसमें अगर रुपया है तो यहां से यदि हमको मायापुर चाहे अयोध्या जाना हो तो टेंशन होगा? आप बताओ। कोई टेंशन नहीं है, टिकट नहीं है, टीटी को दीजिए सीट मिलेगा। सीट नहीं होगा, रुपया ज्यादा दीजिए, अपने सीट पे बिठा के ले चलेंगे। संबल यानी राह में खर्च करने का साधन। श्रद्धा जीवन में खर्च करने का साधन है। श्रद्धा रूपी पूंजी रहेगी, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा ही हमको ज्ञान से परिपूर्ण कराती है। किसमें श्रद्धा हो? आचार्य में। किसमें श्रद्धा हो? आचार्य में। किसमें श्रद्धा हो? भगवान की कथा में। किसमें श्रद्धा हो? श्रेष्ठ के वचनों पर। क्षमा करिएगा, अभी अभी जो प्रकरण आप सुने होंगे श्री रामचरितमानस जी को लेकर जो पूरा बवंडर मचा देश में, कई कई लोग कई कई तरह की बात बोले। वो क्यों बोले? उनका मानस जी के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए बोले। यदि श्रद्धा होती तो उनको समझ में आ जाती, श्रद्धा नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए दोष दिख रहा है। यदि भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा हो, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सा। दूसरा उपाय, संतों का संग हो, जीवन में सत्संग करने का स्वभाव हो। इस बात को भगवान शंकर पुष्ट करते हैं उत्तर कांड के अंत में, माँ पार्वती से, देवी राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिस मनुष्य को सत्संग से प्रेम है वो कथा सुनने का अधिकारी है। श्रद्धा हो, सत्संग से प्रेम हो और रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, यदि ये तीन भाव जीवन में उतर गए तो ये अगम कथा भी हमारे आपके लिए सुगम हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए श्रद्धा रूपी माँ पार्वती को वंदन किया, भगवान शंकर माँ भवानी को वंदन किया। क्यों? भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के प्रथम आचार्य हैं। आपको यहीं से कथा आज प्रारंभ हुई, बाबा से ही कथा प्रारंभ हुई। ये मानस के प्रथम आचार्य हैं। पार्वती जी की वंदना क्योंकि पार्वती जी की कृपा से इस कथा प्रसादी का संसार में विस्तार हो पाया, इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी और पार्वती जी को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के आदि गुरु स्वरूप को वंदन किया है। चौथे श्लोक में कविवर वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी माँ जानकी को वंदन किया। छठवें में रघुनाथ जी को वंदन किया। और सातवां और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने मानस की रचना कैसे की? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण यानी 18 पुराण। पुराण कितने हैं? नाम याद बा? नाम
आठ को याद है, कौन कौन? ब्रह्म पुराण और शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण हो गया, और ही क्यों बतावे? गरुण पुराण, इधर आप दर्शन करिए, कितने पुराण हैं? जोर से कहिए। अब इसको एक ही श्लोक में 18 पुराण हैं। मद्वयम् भद्वयम् शैव वत्रयम् ब्रत्रयम् तथा अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। अब गिनते जाइए, मद्वयम्, मां से दो पुराण, मां से मद्वयम्, मां से दो पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, मद्वयम् भद्वयम् शैवम्, भ से द्वयम्, दो पुराण, भ से भविष्य पुराण, भ से श्रीमद् भागवत महापुराण, कितने हो गए? 4। मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, शैवम् 5वां शिव पुराण, वत्रयम् ब्रत्रयम् तथा, वत्रयम् व से 3 पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण, ब्रत्रयम् ब्र से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कितने हो गए? 9, 10, 11। अनापलिंग कुष्कानि, अ से अग्नि पुराण, ना से अनाप, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, अनापलिंग, लिंग से लिंग पुराण, लिंग, ग से गरुड़ पुराण, अनापलिंग कुष्कानि, कु से कुर्म पुराण, स्कानि से स्कंद पुराण, ये 18 पुराण है। एक श्लोक में 18 पुराण, मद्वयम् भद्वयम् शैवम् वत्रयम् ब्रत्रयम् तथा अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक, ये 18 पुराण है। 18 पुराण के बाद 4 वेद, कौन कौन 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद के एक एक उपवेद हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला, ऋग्वेद से कौन सा वेद निकला? आयुर्वेद। यजुर्वेद से कौन सा वेद निकला? धनुर्वेद। सामवेद से कौन सा वेद निकला? गांधर्व वेद, ये जो गाना गाते हैं हम लोग, ये सामवेद से निकला। और अथर्ववेद से अर्थशास्त्र निकला। ये चारों वेद के 4 उपवेद हैं, चारों वेद के 6 उपांग हैं, जिनको शास्त्र कहा गया। निगम यानी वेद और आगम यानी शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 शास्त्र हैं। वो स्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, चारों वेदों के उपांग, 6 शास्त्र, इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इनके अलावा जितने रामायण हैं, कितने रामायण हैं पता है? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ के ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। तो स्वामी जी कहते हैं सभी सदग्रंथों के सार को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। क्यों की है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल मातनो। केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए मैंने श्री रामचरित मानस की रचना की। ये मानस जी के 7 श्लोक हैं।